जो टीम गेम है, टीम गेम से बच्चा आपस में कोऑर्डिनेशन बनाना सीखता है। तो हमारे साथ सेकंड क्लास के बच्चे हैं ये, इनकी रिले रेस करवा रहे हैं। रिले एक्चुअल में जो होता है अंडर 11 के अंदर जो थर्ड फोर्थ के बच्चे भागते हैं, सेकंड फर्स्ट के नहीं भागते। लेकिन क्यों भगा रहे हैं इन बच्चों को, क्योंकि ये बच्चे आपस में कोऑर्डिनेशन बनाना सीखे। जो टीम गेम होते हैं वो समाज में और बच्चों में जो सहयोग की भावना को उत्पन्न करते हैं, टीम गेम के द्वारा बच्चे के अंदर समाज में विचरण करने के, उसमें समाज के साथ सहयोग करने के और सहयोग प्राप्त करने के और सहयोग देने के जो गुण आते हैं, तो कोऑर्डिनेशन कैसे बनेंगे बच्चे। इन बच्चों को कोऑर्डिनेशन देखते हैं, अब इनकी रिलीज करते हैं। ओयू मार्क सेट, वेरी गुड, रन फास्ट। अब ये यहां से सेकंड को बैटन पास करेंगे, यहां बैटन एक्सचेंज हो गया बच्चों का। तो ये इस प्रकार बच्चे हैं जो कोऑर्डिनेशन बनाना सीख रहे हैं एक दूसरे के साथ। जो बैटन पीछे रह जाएगा जो बच्चा, उसकी बैटन बाद में पहुंचेगी, जो पहले बैटन दे देगा वो पहले आगे भाग लेगा। तो इस प्रकार बच्चे के अंदर एक जिद होती है बच्चों के अंदर कि हम अपनी बैटन जल्दी पहुंचाएं। तो इस प्रकार से एक टीम उभर के आती है। जो टीम होती है उसमें कोई एक लाभ या हानि के लिए जिम्मेवार नहीं होता, पूरी टीम लाभ और हानि के लिए जिम्मेवार होती है। इसलिए ये जो टीम गेम्स होते हैं बच्चों के अंदर कोऑर्डिनेशन लेके आने के लिए बहुत ही ज्यादा, वेरी गुड वेरी गुड, हेल्पफुल होते हैं। फास्ट फास्ट,